नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर चोरों को चार इंजन, एक अवैध तमंचा व कारतूस एवं छोटा हाथी सहित पुलिस ने किया गिरफ्तार। शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में SP ग्रामीण व CO ठाकुर द्वारा ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर थाना भगतपुर के अंतर्गत चोरी की घटना का अनावरण करते हुए दो शातिर चोरों को चार इंजन, एक अवैध तमंचा कारतूस, घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी सहित गिरफ्तार किया गया। दरअसल अनूप सिंह निवासी ग्राम मानपुर दत्त थाना भगतपुर ने वादी के खेत में सिंचाई हेतु रखे इंजन को अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी गई थी। क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा के मार्गदर्शन में भगतपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का को अंजाम देने वाले आरोपियों शहाबुद्दीन सद्दाम उर्फ बबलू को चार इंजन मय छोटा हाथी, एक अवैध तमंचा 12 बोर व एक जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद किए गए। इसके अलावा फरार अभियुक्त शिवम की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। 6 अप्रैल 2023 को अनूप सिंह, जो कि मानपुर गांव भगतपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले, उन्होंने एक तहरीर दी कि उनके खेत से पानी का इंजन चोरी हो गया है। तो पुलिस ने तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत किया और चोरों की तलाश शुरू की। कल 7 तारीख को पुलिस अभियान चला रही थी चोरों को पकड़ने के लिए। तो चतरपुर नायक है भगतपुर थाना क्षेत्र में एक गांव, जहां पे एक तिराहे के पास से करीब रात्रि को एक छोटा हाथी आता हुआ दिखाई दिया। तो पुलिस ने उसको रोका, तो उसमें रोका उन्होंने तेज़ी से भगाने की कोशिश की, तो पुलिस ने अपने पीछे गाड़ी लगाई और उनको ओवरटेक करके रोक लिया। इसी दौरान एक उनका साथी फरार हो गया, दो व्यक्ति वहाँ पे पकड़े गए। जो दो व्यक्ति पकड़े गए उसका नाम, एक का शहाबुद्दीन है और एक का नाम सद्दाम है। शहाबुद्दीन और सद्दाम दोनों जसपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड के रहने वाले हैं। जो उनका इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ एक और साथी था जिसका नाम शिवम था, वो भी उधम सिंह नगर का ही रहने वाला है और वो फरार हो गया। पुलिस ने जब इनकी वाहन की तलाशी ली तो उसमें चार इंजन मिले और एक उनके पास से एक तमंचा बरामद हुआ। तो अब चार इंजन से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि एक इंजन हमने मानपुर से भगतपुर थाना क्षेत्र से चोरी किया है, दो इंजन हमने ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र मुरादाबाद से चोरी किए और एक इंजन हमने जसपुर उधम सिंह नगर से चोरी किया है और हम इनको बेचने के लिए जा रहे थे। ये जो वाहन था ये भी चोरी का था? वाहन भी चोरी का ही है। इनको हाथी मिला है, छोटा हाथी है। एक आपराधिक इतिहास है इसमें, उत्तराखंड में इन पर एक मुकदमा पंजीकृत था। ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र में पहले से एक मुकदमा, दो इंजन चोरी के मुकदमे पंजीकृत थे और अभी 6 तारीख को एक मुकदमा पंजीकृत। कितने समय से एक्टिव थे ये? काफ़ी समय से उस क्षेत्र में एक्टिव थे। एक्चुअली ये बॉर्डर का फ़ायदा उठाकर यहाँ चोरी करके उत्तराखंड की तरफ निकल जाते थे, उत्तराखंड में चोरी करके इस तरफ आ जाते थे। तो हमने एक जब ये चोरी हुई तो और आसपास की चोरियों को हमने खंगाला तो हमें लगा कि इसमें एक गिरोह सक्रिय है। तो हमने इसके अपने मैनुअल वर्क किया इस पर और हमने टावर डंप लिया जहाँ भी चोरी हुई, उस आधार पे हमने इनके नंबर ट्रेस किए और फिर हमें सूचना। जो व्यक्ति फरार चल रहा है उसके बारे में क्या जानकारी है? उस व्यक्ति के बारे में ये है कि जल्दी से जल्दी हम उसको, एक टीम लगा रखी है हमने, और जल्दी से जल्दी उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी। थैंक यू।